सोलन के जाने माने व्यवसायी राजकुमार मित्तल के घर के बाहर गोलियां चली। ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसमें दो युवक आते हैं, जिनमें से एक युवक तीन बार गोली चलाता है और उसके बाद दोनों युवक वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। आपको बता दें कि सोलन में जब भी गोली चलती है तो मित्तल परिवार का नाम ही सबके जहन में आता है। वे इसलिए क्योंकि मित्तल परिवार में जीजा साले के बीच में करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है और ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब तक चार वर्षों में करीबन चार बार गोलियां चल चुकी हैं। दिलचस्प बात ये है कि चारों घटनाओं में आज तक एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस विवाद से सारे शहर में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। वहीं इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दो युवक घटनास्थल पर आए थे और उनमें से एक ने फायर किए, जिसमें से एक गोली का शेल उन्होंने बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि राजकुमार मित्तल ने एक सप्ताह पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई थी। आपको बता दें कि सोलन के पावर हाउस रोड पर जहां गोली चली है, वहां से केवल 200 मीटर दूर सप्रून चौकी है और आरोपी युवक गोली की घटना को अंजाम देकर पुलिस चौकी के आगे से ही फरार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ, सूत्रों की माने तो आरोपी युवक हरियाणा के हैं और धमकी भी हरियाणा के व्यक्ति ने ही व्यवसायी राजकुमार को दी थी। बिलासपुर शहर में अवैध कब्जे नियमित होंगे। बिलासपुर शहर में भाखड़ा बांध के अस्तित्व में आने के उपरांत जिन विस्थापित परिवारों को भूमि अलॉट नहीं हो सकी थी, उन विस्थापित परिवारों के द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं। भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों को बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 31 अगस्त तक प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। उपायुक्त विनय धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्टूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA नंबर 2005 में 19 अक्टूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के संबंध विशेष नीति बनाई गई थी, जो कि 28 अक्टूबर 2013 को जारी की गई, जिसे पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 जुलाई 2018 को संशोधित किया गया था। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या रैप PCA 7/1/2008 लूज 8 मार्च 2019 के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नीति में किए गए संशोधनों के लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन 31 अगस्त 2019 तक लिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के मूल ओस्टी अलाटी व उनके जायज बारसान, जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लॉट आवंटित हुआ हो, लाभार्थियों या बाद के कर्ता जिन्होंने बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा निर्माण कर रखा है, वे निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र 31 अगस्त 2019 से पूर्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी, नागरिक सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर, पटवार वृत्त,
मेन मार्केट व पटवार वृत्त दियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिलासपुर शहर के मूल आस्टी अलाटी व उनके जायज वारसान जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लॉट आवंटित हुआ हो, जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।